अगर हम चांद को लें तो बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गाने उसके ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन क्या वो लाइट और खूबसूरती उसकी अपनी है? नहीं, वो खूबसूरती सूरज ने उसको दी है। सूरज ही एक ऐसी एंटिटी है जो अपनी रोशनी से सारी चीज़ों को जगमग करता है। क्या आप और हम ऐसी रोशनी में नहीं जी सकते? क्या हमारी ब्यूटी हमारे अंदर से नहीं रेडिएट होनी चाहिए? तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये सिंप्लिसिटी कहाँ से आएगी और क्या चीज़ है। बेसिकली मेरे ख्याल में सिंप्लिसिटी हमारी अपीयरेंस में होनी चाहिए, हमारी थॉट्स में होनी चाहिए और हमारे लाइफस्टाइल में होनी चाहिए। अब आप अपीयरेंस का मतलब ये बिल्कुल मत लीजिए कि आपको बहुत ही सीधे साधे कपड़े पहनने हैं या आपको ऊपर से कुछ तामझाम नहीं करना। सिंप्लिसिटी इन अपीयरेंस का मतलब यही है कि आप किसी भी पीयर प्रेशर के साथ जाकर वो सब मत करिए जो आप नहीं कर सकते। सिंप्लिसिटी ऑफ अपीयरेंस का ये मतलब है कि हम कभी ये ना सोचें कि हम प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाएं, हम आर्टिफिशियल मेथड्स लेके अपनी बाहर की खूबसूरती को बढ़ा लें, लेकिन आपके अंदर वो खूबसूरती नहीं होगी तो उसका मज़ा नहीं आएगा। आपकी सोच आपके एक्सपीरियंस से बनी है। आपकी सोच एक ही दिन में नहीं बन गई, तो क्या इसका तालमेल नहीं बिठाना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो हमारी शक्ल और सूरत के साथ मेल खाए? है ना, शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इंटरनल ब्यूटी आपकी सोच, विचार, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, हर चीज़ से जुड़ी हुई है। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अपनी सोचों को ही सिंपल कर लें? क्या आपके दिमाग में बहुत सारी सोचें उभरती रहती हैं? क्या आपके दिमाग में क्लटर है? इस क्लटर को थोड़ा सा ख़त्म करिए तो शायद सिंप्लिसिटी आपका वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। पूरी दुनिया का तामझाम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के सोच विचार अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़राब सोचों को टाइम टू टाइम निकाल के फेंक देना चाहिए। जितना क्लटर आपके दिमाग से कम होगा, उतनी टेंशन कम आपके चेहरे पर झलकेगी, उतने ही आप रिलैक्स्ड होगे। बिलीव मी, आपकी सोचें आपकी शक्ल पर लिखी हुई हैं। हमारा शक्ल हमारे अस्तित्व का आईना है। हम जो सोचते हैं वो डायरेक्ट आपकी आँखें और आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लिस्टिक कर दीजिए और चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखिए तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर चलेगी। सिंप्लिसिटी इन लाइफस्टाइल तो बहुत ही सीधा मायने है। हम दुनिया भर के गैजेट्स इकट्ठे कर लेते हैं, हम दुनिया भर की चीज़ें अपने घर में चाहते हैं, हम दुनिया भर की चीज़ों को ख़रीदना भी चाहते हैं। तो क्या हम तब टेंस नहीं हो जाते जब हमारे फाइनेंसेस इस बात की इजाज़त नहीं देते? चीज़ों को ख़रीदना शायद मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मेनटेन करना। उस मेंटेनेंस में कितना आपका एफर्ट, कितना आपका पैसा और कितनी आपकी टेंशन जाती है, आई थिंक ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा रहना ही तो चाहिए। क्या इन चीज़ों के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी गैजेट्स और बहुत सारे ब्रांड्स इकट्ठे करने ज़रूरी हैं? आप जितना अपने लाइफस्टाइल को सिंपलिस्टिक रखेंगे उतनी ही आसान आपकी ज़िंदगी होगी। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे ख्याल में हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। दो बातें हैं, एक सेटिस्फैक्शन और एक जॉय। जब हम चीज़ों में जॉय लेना चाहते हैं, मज़े लूटना चाहते हैं, तो हम बहुत कुछ डिज़ायर करते हैं। यही डिज़ायर्स हमारी बेचैनी का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आप में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है, आप तसल्ली बख्श जो आपके पास होता है, आप उन चीज़ों को इन्जॉय करते हो, तो शायद आपका थ्रेशोल्ड जो खुशी का होता है वो आपके हाथ में ही है और आप ज़्यादा सिंपलिस्टिक तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हो और ये चीज़ आपको खुश करती है। और खुश ही नहीं करती, ये चीज़ दूसरों को नज़र भी आती है और आपका फेस एक काम, क्वाइट और बहुत ही सीरीन लगता है, क्योंकि जनरली आपके लाइफ में दूसरों के हिसाब से टेंशन कम होती है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जिनको हम यूज़ करके अपना लेवल भी बढ़ा सकते हैं और शायद यही ब्यूटी आपके फेस पे भी झलकेगी। तो मैं अब उन बातों पर आती हूँ कि हम डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हैं टू इंक्रीज आवर इनर ब्यूटी। फर्स्ट थिंग जो बहुत ही सिंपल है वो है बी काइंड। आप जितना बड़ा दिल रखोगे, जितने आप सेंसिटिव दूसरों की नीड के लिए होगे, इतनी सिंपल से थॉट से ही आप अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ा सकते हो। जब आपके मन को ये फीलिंग रहती है कि मैंने सबका ध्यान किया, मैंने किसी के लिए कुछ किया, आई थिंक ये खुशी हमारे चेहरे पर झलकती ही है। शायद ये सिंपल सी बातें आपकी ब्यूटी को चार चांद लगा दें
और इसके लिए तो आपको किसी भी गैजेट की ज़रूरत नहीं है। और रिमेंबर कि प्यार आपकी लाइफ में आपकी खूबसूरती को बढ़ाता भी है और आपको वापस उतना ही प्यार दिलाता भी है। इससे सिंपल प्रोसीजर और क्या होगा। बहुत से लोग हॉलीडेज़ लेके जाते हैं, बहुत से लोग अपना टाइम किसी और के साथ शेयर करते हैं। मैं आपसे सिर्फ अपना प्यार बांटने को कह रही हूँ। ये एक छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी में खुशी भी लाएगी और आपकी ब्यूटी में चार चांद लगाएगी, क्योंकि लोग आपको एक बहुत ही लविंग पर्सन समझेंगे और आपको ब्यूटीफुल भी बोलेंगे। एक बार फिर आप वो सब चीज़ों को अपनाइए जो आपके मन को खुशी देती हैं। इससे सिंपल तरीका और क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए अपने हाथ मिट्टी में गंदे कीजिए, थोड़ी देर के लिए बहते पानी में टांगे लटका कर बैठिए, थोड़ी देर के लिए किलकारी भरिए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल फील करेंगे फ्रॉम इनसाइड। एंड बिलीव मी, ये इनसाइड ब्यूटी आपके फेस पे एक ट्विंकल लाएगी और एक अलग सा ही चार्म दे देगी। तो चलिए आज हम इनर ब्यूटी को अपनी सिंप्लिसिटी के साथ कुछ और बढ़ाएं।